हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आप जो है ट्रेन टिकट अपने मोबाइल से कैसे बुक कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल में या फिर आप कहीं से भी अपने मोबाइल में टिकट आप निकाल सकते हैं। देखिए, आपको जो है IRCTC का अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको यहाँ पर टिकट बुक करने के लिए IRCTC रेल कनेक्ट या फिर आप गूगल क्रोम में भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर ऐप पे सिंपली ओपन कर लेंगे। आपको इंस्टॉल कर लेना है ये वाला ऐप और इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेन पे क्लिक करेंगे। आप इनमें से कौन सा भी आप बुक कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रेन सेलेक्ट करेंगे, हम आपको ट्रेन टिकट बुक करके दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। बुक टिकट पर क्लिक करते आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कितने बुकिंग किए हो आपके आईडी से, तो आप माय बुकिंग के कितने बुकिंग किए, आप ये सब ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप टिकट का PNR नंबर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपका अगर वेटिंग लिस्ट में है तो आपका सीट कहाँ पे आया है या फिर वेटिंग लिस्ट में ही पड़ा है, सब यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन कितना हुआ है या फिर कितने टिकट का हुआ है या फेल्ड हुआ है, सक्सेस हुआ है, आप यहाँ से फोर्थ ऑप्शन में देख सकते हैं। अपकमिंग जर्नी, इसमें आप जो आने वाला आपका जर्नी है उस डेट का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए, कैंसिल टिकट दिखाई देगा। यहाँ पे इस तरीके से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे। हम यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक कैसे करना है ये सिखाएंगे आपको। तो आपको जो है ट्रेन बुक टिकट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आपको यहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, फ्रॉम टू डाल देना है। उसके बाद आपको डेट जो है सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च ट्रेन्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, और यहाँ पर आपको, आप चाहे तो कौन से गाड़ी का निकालना चाहते हो, तो उस गाड़ी के यानी देखिए 2S यानी सिटिंग, SL यानी स्लीपर, 3rd A यानी 3rd AC, 2nd और 1st AC, फर्स्ट क्लास AC। ओके, हम यहाँ पर सिटिंग आपको एक एग्जांपल के लिए सिटिंग टिकट बुक करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, नंदीग्राम ट्रेन है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, 11 वेटिंग लिस्ट है, 11 वेटिंग लिस्ट हो जाएगा, 11 है वेटिंग लिस्ट। ओके, आपको जो है यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए, आप लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पिन डालने के लिए बोलेगा, 4 डिजिट का, जो आपको रिमेम्बर करने के लिए बोलेगा, याद रखने के लिए आपको वो वाला पिन यहाँ पर फिल कर देना है और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो आईडी है वो वैलिडेट होगा और आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, आपको एक बार कंफर्म कर लेना है आपको जो है किस डेट का, यहाँ पर देख लेना है ऊपर आपका जर्नी डेट क्या है और उसमें कौन सा दिन आ रहा है। इसमें आप जनरल वेटिंग लिस्ट कितना है, अब वेटिंग लिस्ट करंट वेटिंग लिस्ट 11 है। और यहाँ पर देखिए, आपको कब आप पहुँच रहे, आपके कितना समय लग रहा है, ये सब कुछ आपको देख लेना है। और यहाँ पर जो है आपको ऐड न्यू पैसेंजर के इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैसेंजर नेम यानी फॉर एग्जांपल के लिए हम फिल कर देंगे यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम एज, ओके अप्रॉक्सीमेटली, और ऐड पैसेंजर नीचे आने के बाद ऐड पैसेंजर कर देना है। और यहाँ पर जो देखिए मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको सिंपली, आप चाहे तो डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट से कर सकते हैं। हम यहाँ पर पे थ्रू भीम UPI, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रिव्यू जर्नी डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे स्पेस है, आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ से क्लिक करना है। देखिए, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर कैप्चा फिल करना है
कैप्चा फिल करने के बाद आपको जो है प्रोसीड टू पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको भीम UPI या फिर मल्टीपल पेमेंट, यानी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए फ़ोनपे सेलेक्ट करेंगे और पे पे क्लिक कर देना है। आपको फ़ोनपे का नंबर जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। प्लीज़ वेट, यहाँ पे आपको फ़ोनपे का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है और सेंड OTP टू लॉगिन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको OTP जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए, और लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली पे पे क्लिक कर देना है। जैसे हम पे पे क्लिक करेंगे, देखिए दिस पेज विल बी ऑटोमेटिकली टाइम आउट, ओके ये नोटिफिकेशन ऑफ पेंडिंग मर्चेंट। देखिए आपको जो है यहाँ पर जैसे मैसेज आएगा, आप पे पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर फ़ोनपे ओपन कर लेंगे। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आपका 211 रुपये का समथिंग पैसे यहाँ पर जो पे पे क्लिक कर देना है। जैसे हम पे पे क्लिक करेंगे, देखिए पे पे क्लिक करना है और ये जो पेमेंट है आपका कर देना है। देखिए जैसे पेमेंट हो जाएगा, देखिए पेमेंट होने के बाद आपको जो है डन पे क्लिक करना है और इस वाले इसमें आना है। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रेन टिकट है 11-11 नंबर का वेटिंग लिस्ट में है। तब तक वेटिंग लिस्ट जो है कंफर्म हो जाएगा तब तक। देखिए इस तरह से जो है आप टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप रेलवे कनेक्ट ऐप का यूज़ करते हुए या फिर आप क्रोम ब्राउज़र से भी आप इसी तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन का। और जो ट्रेन टिकट यानी हमारा आप वेटिंग लिस्ट में, आपको SMS आ जाएगा अगर सीट नंबर वगैरह या फिर कंफर्म हो गया टिकट, तो आपको SMS आ जाएगा। आप जो भी नंबर दिया है वहाँ पर उसके नंबर पर एक SMS जाएगा आपका सीट नंबर और क्या क्या है बोगी नंबर सब वहाँ पे दिखाई देगा आपके नंबर के ऊपर। आप चाहे तो जैसे हम देखिए ये PNR नंबर जो है PNR नंबर कॉपी करके आपको जो PNR इंक्वायरी पे क्लिक करके आप PNR इंक्वायरी भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।